गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर लैंग्वेजेस का जो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। उसके बाद हम लोग जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम था इंटरप्रिटर कंपाइलर इसके बारे में। तो आज हम लोग ये इस क्लास में डिस्कस करेंगे फोर्थ जेनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज के दिन में जो भी हम लोग जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं जो कंप्यूटर्स को समझ में आते हैं तो वही जो कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन में यूज होता है वो, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसको हम लोग 4GL बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ए लैंग्वेजेस है क्या, तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है क्या कि कंप्यूटर को ओनली जीरोस एंड वन समझ में आता है, यस और नो, ओनली बाइनरी नंबर समझ में आता है। बट बाइनरी नंबर्स में अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो और बाइनरी नंबर्स में अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे जीरोस एंड वन्स में तो क्या होगा, जीरोस एंड वन्स में लिखेंगे तो क्या होगा, एरर बहुत आ सकता है, ठीक है, बहुत ही मतलब एरर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसीलिए कुछ लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जो लैंग्वेजेस को मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा और जो ह्यूमन आसानी से उसको लिख सकता है, आसानी से उसको पढ़ सकता है। तो उस लैंग्वेजेस को हम लोग ने हाई लेवल लैंग्वेजेस का नाम दिया, ठीक है, जो यूजर रीडेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो नॉर्मल ABCD है, नॉर्मल 1 2 3 है, हम लोग ऐसे ही हम लोग टाइप करते हैं अपना कीबोर्ड से। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को थोड़ा एडवांस जो वर्जन है, जैसे कुछ मतलब जैसे हम लोग का अभी जनरेशन क्या चल रहा है, अभी हम लोग का जो अगर कंप्यूटर्स के अगर लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अभी हम लोग जो प्रेजेंट जो हम लोग जो 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 जनरेशन चल रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। मतलब फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों अभी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है। फोर्थ जनरेशन थोड़ा पहले से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी फिफ्थ जनरेशन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो कंप्यूटर्स का कोई भी चीज हो, जैसे तुम लोग ने नाम सुना होगा शायद फोर्थ जनरेशन का मतलब DDR4, ठीक है, मतलब कोई भी हार्डवेयर का चीज है, कोई भी लाइक प्रोसेसर हो वो जनरेशन कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तुम लोग ने नोटिस किया होगा शायद, मतलब जितना भी अभी मार्केट में जो कंप्यूटर्स का जो चीज चल रहा है अभी वो फोर्थ जनरेशन या तो फिफ्थ जनरेशन का मतलब जो भी हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, ओके। तो फोर्थ जनरेशन का जो लैंग्वेजेस है वो बेसिकली हम लोग अभी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फोर्थ जनरेशन का बहुत सारा लैंग्वेजेस है, लाइक तुम लोग ने नाम सुना होगा शायद प्रोग्रामिंग सी, उसके बाद जावा, उसके बाद लाइक नेक्स्ट पाइथन, ऐसा बहुत सारा जो लैंग्वेजेस है वो फोर्थ जनरेशन में अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है ये फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस देन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये बाकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उससे ही थोड़ा बहुत क्लोज है जो ह्यूमन का, ठीक है, हम लोग का। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स। कौन सा, हायर यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, मतलब बहुत ही आसान है, रिलायबल है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज, लिनक्स, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग उसको आसानी से उसको एग्जीक्यूट या तो रन कर सकते हैं, ठीक है। वो यूजर friendly and independent of any operating system, okay? समझ में आ गया? Very high speed execution, मतलब ये जो programming languages है fourth generation का, ये बहुत ही high speed है, उसको जब हम लोग execute करेंगे वो बहुत ही ज्यादा speed से execute होगा, उतना time वो लेगा नहीं, ठीक है। Designed to reduce level of programming efforts, मतलब उतना complicated नहीं है programming का जो effort है वो थोड़ा उसका जो level है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। जैसे बहुत सारा पहले का जो लैंग्वेजेस था, लाइक यहाँ पे एक लैंग्वेजेस दिया हुआ है फोर्ट्रान बोल के एक लैंग्वेज, फोर्ट्रान वाज वन ऑफ द
अर्लिएस्ट लैंग्वेजेस एंड वॉज डिजाइन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। तो ये जो फोर्ट्रान था बहुत साल पहले यूज हुआ था, ठीक है। तो फोर्ट्रान क्या था, बहुत ही एक टफेस्ट लैंग्वेज था जो इजीली से कोई भी एक नॉर्मल जो पर्सन है, जो नॉर्मल ह्यूमन है, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसको डिजाइन किया स्पेसिफिकली फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ओके। उसके बाद और एक लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड कोबाल बोल के। तो कोबाल भी एक उतना भी इजी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा फोर्ट्रान से इजी था, बट उसको डिजाइन किया था बिजनेस यूजर्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो ये फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेजेस है, वो जो लैंग्वेजेस है फोर्थ जनरेशन का, ये जो फोर्ट्रान एंड कोबाल इस टाइप का लैंग्वेजेस है, उससे थोड़ा इजी एंड रिलायबल एंड बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। ओके, हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट, मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। तो ये यूजर को उतना एफर्ट देना नहीं पड़ता है कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, ओके, मतलब उसको देखने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या हुआ है, अगर कोई भी अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे, वो उतना कॉस्ट अभी लेगा नहीं, उतना टाइम भी लेगा नहीं, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस है ये बहुत ही आसानी से अभी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है। मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और उतना टफ नहीं है, समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब रिलायबल है यूजर के लिए। इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इट। मतलब अभी क्या हो रहा है कि जस्ट यूजर्स को स्पेसिफाई करना है कि मुझे कौन सा चीज आउटपुट में दिखाना है, तो उस टाइप का मतलब आउटपुट तुमको मिल जाएगा। मतलब अभी बहुत ही मतलब इजी हो गया है जो लैंग्वेजेस है, जैसे प्रोग्रामिंग सी, थोड़ा प्रोग्रामिंग सी को हम लोग फोर्थ जनरेशन में इंक्लूड करते हैं, प्रोग्रामिंग सी, उसके बाद जावा, ठीक है, नाम सुना हुआ था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे एक लेट्स नो मोर में दिया हुआ है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेटा रिलीज रेफर्स टू ए प्रोडक्ट और ए टेक्नोलॉजी व्हिच इज स्टिल इन डेवलपमेंट बट इज रिलीज ओनली फॉर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक चीज है बेटा रिलीज बोलते आता है, बेटा कोई भी जैसे विंडोज में भी आता है कभी कभी ऐसे, और एंड्रॉइड में भी आता है बेटा रिलीज ऐसे आता है। तो उसका मीनिंग क्या है, बेटा मतलब वो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी उसको उसका जो काम है वो रिलीज कर दिया है, जो इंजीनियर है उसको रिलीज कर दिया है, लेकिन अभी भी वो इवोल्यूशन प्रोसेस में है, मतलब टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन प्रोसेस में, अभी भी कंफर्म कुछ हुआ नहीं है, अभी भी कुछ चेंजेस आ सकता है उसमें, ठीक है। तो ये बेटा रिलीज है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है लैंग्वेजेस का, मशीन का असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कौन सा फीचर्स है, यूज बाइनरी कोड्स टू डेपिक ऑपरेटर्स एंड डेटा। हाँ, हम लोग बाइनरी कोड यूज करते हैं, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है ये, अगर मशीन में अगर एक मशीन में अगर लिखा जाए तो दूसरा मशीन में वो रन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो लैंग्वेजेस है जो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस कौन सा, जो कुछ निमोनिक कोड्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे सिंबल्स, ऑलरेडी बोला, इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स, वो भी एक मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेजेस बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स असेंबलर्स। ये क्या है, मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना पड़ेगा असेंबली लैंग्वेजेस को, कौन करेगा, असेंबलर करेगा, ठीक है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे हम लोग ने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ाई किया था, तो असेंबलर भी ऐसा ही एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेजेस को असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम ही है असेंबलर, ठीक है। मैंने शायद असेंबलर के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि तुम लोग का यहाँ पे चैप्टर में नहीं है, असेंबलर नहीं चाहिए अभी तुम लोग को, जस्ट याद रखो कि असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, लेकिन वो लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ाई किया हम लोग ने, यूजेस इंग्लिश वर्ड्स जो हम लोग का बेसिक इंग्लिश वर्ड्स है एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है यहाँ पे। मशीन इंडिपेंडेंट है, कहीं भी हम लोग उसको रन कर सकते हैं कोई भी मशीन में। हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ऑलरेडी मैंने ये लाइन बोल दिया है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस ये क्या है, जो ऑलरेडी हम लोग जो अभी जो हाई लेवल जो मतलब जो लोगों ने खुद से डेवलप किया जो आसानी से समझ में आता है सबको, ठीक है, और मशीन को भी मतलब मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाई किया फोर्थ जनरेशन का जो लैंग्वेजेस है। तो मशीन इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी मैंने बोला मिनिमल यूजर स्किल, उतना यूजर का स्किल नहीं देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जानने से हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्टेन द रिजल्ट। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, कोई भी एक एप्लीकेशन बनाना है जैसे एंड्रॉइड का एक ऐप बनाना हो, ठीक है, आईफोन का अगर एक कुछ ऐप बनाना हो, तो ये सब में जो लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है वो है क्या है, फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो भी लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है वही है फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेजेस, ओके। तो रिकैप में हम लोग ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यस। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेजेस इज द ओनली लैंग्वेजेस दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, यस, जो समझ में आता है। सिंटेक्स आर द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सिंटेक्स क्या है, सम सर्टेन रूल्स है, यस और नो। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन व्हेयर एज ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस, ऑलरेडी मैंने बोला कि इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन को हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एक साथ मतलब कन्वर्ट करता है, ठीक है, एट वंस मतलब एक ही टाइम में। नेक्स्ट, द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन डब्ल्यू टर्की इन 1957, ओके। तो मैंने यह शायद यहाँ पे मिस किया था, मिस नहीं किया मैंने। तो सॉफ्टवेयर को किसने डिजाइन किया था, जॉन डब्ल्यू टर्की ने डेवलप किया था, कौन सा ईयर में, 1957 में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर्स है वो क्या है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, हम लोग का मोर ऑन विंडोज 7 ये हम लोग का चैप्टर्स है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर्स को मैं डिस्कस करूंगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो कुछ अगर डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज या तो मुझे फोन कर सकते हो। और ये जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर्स लिखना मत भूलो, इसका क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूछूंगा तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, मुझे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे मैं तुम लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू।